हेलो एवरीवन दिस इज सबीहानोर वेलकम बैक टू आर चैनल स्टेट्स टू एक्सेलेंस जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं फ्यू अटेंशन गेटर्स फॉर स्टूडेंट्स विच कैन यूज इन आवर क्लासरूम अब अटेंशन ग्रैबर्स है क्या बेसिकली ये क्लास मैनेजमेंट टूल है सो इफ़ स्टूडेंट्स आर बिजी इन डूइंग समथिंग इफ दे आर बिजी वर्किंग इन ग्रुप्स या क्लासरूम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या फिर दे आर डूइंग जस्ट चैट हम अटेंशन गेटर्स को यूज़ कर सकते हैं इट इज़ नॉट ओनली फन बट एन इफेक्टिव वे टू गेट योर क्लास रीफोकस्ड ओके सो दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट गिविंग इंस्ट्रक्शन और जो भी आपको कहना है आप वो कह सकते हो ओके सम टाइम्स क्या होता है न्यू टीचर्स के लिए क्लासरूम को मैनेज करना ये बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है तो अटेंशन गेटर्स यूज करना क्लासरूम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अब कभी कभी ऐसा होता है दैट स्टूडेंट्स आर इंगेज इन अ लाउड एक्टिविटी और दे आर नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर सो एज अ टीचर वॉट वी यूजली डू वी रेज आर वॉइस विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन तो नेगेटिव क्लासरूम कल्चर क्रिएट ना हो और उसे अवॉइड करने के लिए हम अटेंशन गेटर्स और अटेंशन ग्रैबर्स यूज़ करते हैं क्लासरूम में ओके okay? सो so ये क्या है ये एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और साथ ही साथ टीचिंग और लर्निंग भी इफेक्टिव होती है अब इसको यूज करने से पहले वी हैव टू टीच आर स्टूडेंट्स दैट इफ़ यू आर सेंग दिस और इफ़ यू आर डूइंग दिस देन वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज वॉट यू हैव टू डू हाउ यू विल रिस्पॉन्ड तो ये थोड़ा हमें सिखाना है ये प्रैक्टिस करवाना है देन वी कैन यूज द सेम फॉर लाइक होल ईयर अगर हमें कोई एक ही अटेंशन गटर यूज़ करना है पूरे साल तो वो हम यूज कर सकते हैं और अगर हमें स्विच भी कर, करना है तो वी कैन डू दैट डिपेंड्स ऑन आर स्टूडेंट्स ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दोज फ्रेसिस Which we can use to get students' eyes and ears on us. So the very first one is hands on top. So teacher will say hands on top, and then student will respond. That means stop. Okay. So this is the first attention getter. Second is teacher can say hocus pocus, and then student will respond. Everybody focus. Okay. Then the third one, teacher can say.

Say it in a different accent, in different voices, or stretch it out in slow mo. For example, aap isko hi kaise keh sakte ho Class, 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 and then students will say yes, yes, yes. matlab मतलब students ko teacher ke energy level ko pitch को, voice को, accent को match करना है, okay? तो उससे क्या होगा? मजा भी आएगा. Students will also enjoy. As a teacher, we will also enjoy. और हमारा जो एम है जो हम मकसद है जो गोल है वो भी हम अचीव कर लेंगे ओके नेक्स्ट टीचर एन से रेड येलो ब्लू एंड देन स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड वी सी यू ओके अब क्लास में जो एनर्जी लेवल है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको या अपनी पिच को हाई और लो कर सकते हैं नेक्स्ट टीचर कैन से वॉटरफॉल एंड स्टूडेंट्स विल रिप्लाई ओके

अब इसमें हम क्लैपिंग भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टीचर कैन से वन टू थ्री आईज ऑन मी एंड देन स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड इन अ सेम रिदम ओके वन टू आइज ऑन यू ओके लाइक दैट सो दिस इज हाउ यू कैन यूज क्लैपिंग विद दिस अटेंशन गेटर बिकॉज क्लैपिंग ऑलवेज वर्क्स वेडी वेल स्पेशली इन क्लास रूम अब कुछ और अटेंशन ग्रैबर्स हैं वो भी देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मिरर मोमेंट अब मिरर मोवमेंट क्या है अब मिरर मोमेंट में जो टीचर है वो क्लासरूम के फ्रंट पे या तो सेंटर पॉइंट पे खड़ी हो सकती है और अलग अलग मूवमेंट्स ट्राई कर सकती है फॉर एग्जाम्पल टीचर कैन कीप हैंड्स ऑन द शोल्डर फिंगर्स और नोज और बोथ हैंड्स इन द एयर और हैंड्स ऑन द शोल्डर एट्सेट्रा ओके अलग अलग मूवमेंट्स करना है टीचर को एंड स्टूडेंट्स विल ट्राई टू मैच टीचर्स एक्शन सो जब क्लासरूम का जो लेवल है नॉइस का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और टीचर को अपनी वॉइस यूज नहीं करना है तो मिरर मोमेंट से टीचर बच्चों के अटेंशन को ग्रैप कर सकती है इजीली ओके ना नाउ दिस वन इज जस्ट ऑपोजिट टू मिरर मोमेंट इन दिस टीचर विल डू द एक्शन एज वेल एज टीचर विल से वॉट एवर शी इज डूइंग फॉर एग्जाम्पल टीचर विल से स्टूडेंट्स इफ यू कैन हियर मी क्लैप वंस स्टूडेंट्स विल ऑल्सो क्लैप वंस ओके

हम अपना काउंट डाउन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फाइव सो इफ यू आर सेइंग फाइव एवरी वंस आईज शुड बी ऑन स्पीकर नाउ वेदर इट इज़ अ टीचर और इट इज़ समवन एल्स और स्टूडेंट्स ओके एवरी वंस आइज शुड बी ऑन स्पीकर नाउ टीचर इज सेइंग फोर एवरी वंस लिप शुड बी क्लोज्ड इफ टीचर इज सेइंग थ्री देयर बॉडी शुड बी स्टिल इफ टीचर इज सेइंग टू their hands should be free and if teacher is saying one then everyone should listen to the speaker okay so every time will not say what is the meaning of all the countdown we'll just count five four three two one and when teacher reaches to zero everyone has to be quiet by following all the countdown ka rules got it now next teacher will say zip your lips hands on hips students will do the action okay and next is countdown strategy now this is one of my favorite attention getters because in this i don't need to raise my voice to get attention yaha pe mujhe sirf countdown bolna hai from 10 i can start okay 10 9 8 and like that okay so reverse me I'll do counting अब काउंटडाउन क्या है ना इट वर्क्स इन जस्ट अबाउट एवरी सिचुएशन एंड प्लस ये एक ट्रांजिशन टाइम प्रोवाइड करता है सो इफ स्टूडेंट्स आर बिजी इन डूइंग समथिंग इफ स्टूडेंट्स आर डूइंग एनी एक्टिविटी और समथिंग लाइक दैट तो उसको बच्चों को टाइम मिलता है कि वो स्टॉप कर सकें अगर वो बात कर रहे हैं अगर वो कुछ लिख रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं तो उनको एक ट्रांजिशन टाइम मिल जाता है अगर हम काउंटडाउन कर रहे होते हैं तो ठीक है और ये हम प्राइमरी लेवल पे या फिर मिडिल स्कूल के लिए या सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी हम काउंटर स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं सो इट वर्क्स वेल विथ ऑल द चिल्ड्रन नेक्स्ट इज हैंड सिग्नल नाउ दिस विल ऑल्सो वर्क फॉर एवरी वन जस्ट शो योर हैंड इन द एयर टू सिग्नल दैट यू नीड योर स्टूडेंट्स अटेंशन एंड द लास्ट इज क्लैपिंग पैटर्न Again, if our classroom is too noisy and we don't want to raise our voice, we don't want to scream, so what we can do? We can play a clapping pattern of our choice, and students have to repeat the same pattern. For example, teacher can play and student will also respond in the same way. Okay? We can change the pattern as well. For example, एंड अगेन स्टूडेंट विल कॉपी द सेम अब इसको हम इंटरेस्टिंग और बना सकते हैं पैटर्न को चेंज कर कर करके ओके बट स्टूडेंट को भी वो हमें प्रैक्टिस करवानी है एंड देन वी कैन यूज इन आर क्लास रूम गेट एंड डोंट फॉर्गेट टू एक्नॉलेज दर कॉपरेशन विद्क यू बिफोर कंटिन्यूंग योर क्लास ओके सो जब भी हम अपना अटेंशन गेटर यूज करके क्लासरूम के वॉइस को लो करवा पा रहे हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं तो हमें एक्नॉलेज जरूर करना है जस्ट विद अ थैंक यू एंड देन वी कैन कंटिन्यू अर क्लास और इंस्ट्रक्शन और एनी थिंग विच वी वॉन्ट टू सो टीचर्स फाइंड एटलीस्ट वन अटेंशन गेटर विथ विच यू आर कंफर्टेबल और यू कैन क्रिएट योर ओन एज वेल प्रैक्टिस द सेम विद योर स्टूडेंट्स ऑफन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट एंड इफ स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पोंडिंग द वी वी वॉन्ट सो वॉट वी कैन डू वी कैन जस्ट स्विच इट अप हमने इतना सारा सीखा है उसमें से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं ओके सो जस्ट चेंज इट वेन एवर यू वॉन्ट टू एंड इफ यू हैव एनी प्रिफर्ड अटेंशन गेटर प्लीज शेयर योर फेवरेट इन द कॉमेंट बेलो ओके सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर ऑफ यर सेल्फ And thank you so much again.